हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एकदम खस्ता बिल्कुल हलवाई स्टाइल शक्करपारे आप घर पर कैसे बनाएं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको ये आज रेसिपी बताने वाली हूँ। और इस दिवाली आप इसे ज़रूर से बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं अगर आप इस तरीके से ये शक्करपारे बनाएंगे तो। बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ता और फ्लफी से शक्करपारे आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1/3 कप के जितना गरम पानी, हल्का गरम पानी लिया है। इसमें चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे गरम पानी लिया है। तो यहाँ पर इसमें हम अब डालेंगे 1/2 कप शक्कर यानी कि चीनी। तो यहाँ पर जो पानी है वो हल्का गरम लेना है। आप कोई भी कप या कटोरी को अच्छे से सेट कर लें, सारे मेजरमेंट उसी के हिसाब से लें। तो यहाँ पर पानी और शक्कर को हम अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा विस्क कर लेंगे, मिला लेंगे उसे। और अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैं मेल्टेड घी ले रही हूँ, ये भी मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया है, यानी अगर ml के हिसाब से देखें तो ये लगभग 80 ml के जितना घी मैंने यहाँ पे लिया है। तो घी डालने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालना यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप डालें, वरना इसके बिना भी आप शक्करपारे बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें चीनी को बिल्कुल अच्छे से पिघला लेना है, यानी कि चीनी अच्छे से घुल जाए तब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे ऐसे ही। और हमने यहाँ पर घी भी मेल्ट किया लिया और पानी हल्का गर्म लिया है तो चीनी अच्छे से जल्दी से घुल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है और ये जो मिक्स है काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है चीनी घुलने के बाद। तो अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप और अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये लगभग 300 ग्राम के जितना मैंने मैदा ले लिया है। तो मैदे को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप एक ही टाइम पे एक साथ पूरा इसमें मैदा ना डालें वरना बहुत ज़्यादा लम्स पड़ जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मैदा इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे पहले सारे मिक्स के साथ मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मैदा अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है और इसी तरीके से हम 2 से 3 बार करके इसमें पूरा मैदा डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अपने हाथ से हम इसे बिल्कुल जैसे हम आटा लगाते हैं, डो लगाते हैं, उसी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये डो आप देख सकते हैं काफ़ी चिपचिपा सा लग रहा है, काफ़ी गीला गीला सा लग रहा है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। तो ये 1 घंटे में बहुत ही बढ़िया से हमारा डो सेट हो जाएगा और बिल्कुल हार्ड सा जैसे हमें डो चाहिए बिल्कुल हमें वैसा मिलेगा। तो अब हम इसे ढक देंगे और 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप इसे 30 मिनट के लिए तो ऐसे ही ढक कर रेस्ट करने दें और उसी के बाद आप शक्करपारे बनाएं। तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए मैंने अच्छे से डो को रख दिया था रेस्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पे डो रेडी हो गया है और बिल्कुल हार्ड हो गया है जैसे हमने पहले से बनाया था। बहुत ही गीला गीला सा लग रहा था, अब ये बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो यहाँ पर बन गया है। तो ये रेस्ट करना इस डो को बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, हम इसे अपने वर्क स्पेस पर ले लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। तो 2 पोर्शन को हम क्या करेंगे, ढककर अच्छे से रख देंगे और 1 पोर्शन हम ले लेंगे और उसकी लोई बना लेंगे इस तरीके से। हम इसकी एक बड़ी सी लोई बना लेंगे तो आप देख सकते हैं। और अब हम इसे बेल लेंगे। तो बेलने के लिए हमें इस पर कोई भी सूखा मैदा या ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसे बेल सकते हैं इस तरीके से। तो बेलते टाइम हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ही पतला नहीं बेलना है। तो यहाँ पर इसे बहुत पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना बेला, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो शक्करपारे वाली फीलिंग होती है वो नहीं आएगी आपको खाते टाइम। तो मैंने इसे बेल लिया है और अब हम इसे इसमें कट्स लगा लेंगे और यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस स्क्वायर्स में इसे कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे यहाँ पर डायमंड के शेप में भी कट कर सकते हैं, तो आज मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है।
यहाँ पर मैंने इसे स्क्वायर पीसेस में कट किया है और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस मैंने कितनी रखी है। बस बिल्कुल इतनी ही थिकनेस आपको भी रखनी है इसकी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमें इसे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा बिल्कुल धुएंदार गरम भी नहीं चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम एक पीस डालकर इसमें चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स उठ रहे हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर शक्करपारे को डाला है। तो बिल्कुल ये हमारा परफेक्ट गर्म ऑयल है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डाल देंगे तो बिल्कुल जो शक्करपारे हैं वो बहुत जल्दी से डार्क कलर के हो जाएंगे, और अगर आप बहुत ही ठंडे ऑयल में इसमें डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा से ऑयल तक अंदर तक पी लेंगे, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए परफेक्ट ऑयल का जो गर्म होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपके परफेक्टली शक्करपारे बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे कुछ सेकेंड्स के बाद में इसे मिक्स कर लिया है। एकदम से आप इसमें कोई भी चम्मच या स्पैचुला से इसे मिक्स ना करें, कुछ सेकंड्स के बाद ही आप इसे मिक्स करें। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इसे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर ये शक्करपारे हैं फ्राई करने हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्करपारे अच्छे से फूल भी गए हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं ये दिखने में, और हल्का सा इस पर कलर भी आने लग गया है। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही इस पर लो फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे बिल्कुल गोल्डन और ब्राउन कलर आने तक। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर भी आप इसका ना करें, वो दिखने में और खाने में भी थोड़े इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके का जब जैसे ही कलर आ जाए आप इसे ऑयल से बाहर निकाल लें। तो अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और बहुत ही फूले फूले से एकदम शक्करपारे हमारे यहाँ पर बन गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए सारे शक्करपारे को भी फ्राई कर लेंगे, और गैस का फ्लेम आप बिल्कुल यहाँ पर लो मीडियम ही रखें जब भी आप इसे फ्राई करें। और जैसे ही आप शक्करपारे डालें तो उसे मिक्स ना करें, कुछ सेकेंड्स के बाद ही आप उसे मिक्स करें और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छा गोल्डन और हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो इसी तरीके से अगर आप शक्करपारे बनाएंगे तो आपके भी शक्करपारे बहुत ही बढ़िया फूले फूले और खस्ता शक्करपारे एकदम बनेंगे। ज़रूर से बनाइए इस दिवाली पर, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएं।